हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल सेहत राहत में। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने आंखों के दर्द या जलन को बड़ी आसानी से सिर्फ और सिर्फ घरेलू नुस्खे आजमाकर उसे आप हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे आपको लाल कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसे क्लिक करके बगल में घंटी के बटन को ज़रूर क्लिक कर लेंगे। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पे तो सबसे पहले आपके पास मैसेज चला जाएगा और कोई भी मेरी वीडियो आपको मिस नहीं होगी। और अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि सबसे पहले इसके रीज़न्स के बारे में, आखिर ये होते क्यों हैं आपके आँखों में जलन या दर्द, और फिर मैं इसके घरेलू नुस्खे पे आऊँगा, फिर मैं इसके घरेलू उपाय के बारे में आऊँगा, फिर मैं आपको कुछ मैं नुस्खे बताऊँगा, कुछ टिप्स में बताऊँगा जिससे आप अपनी आँखों के दर्द या जलन को बड़ी आसानी से ठीक कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला रीज़न है आँखों में जलन और दर्द होने का कारण, आँखों में इन्फेक्शन होना। अगर आपके आँखों में इन्फेक्शन है तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है आपके आँखों में दर्द या जलन। बिल्ली, आँखों में फुंसी होना, बिल्ली मीन्स आँखों में अगर आपका फुंसी है तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके आँख का दर्द होना या जलन होना। लगातार काम करना और आँखों को आराम ना देना, अगर आप लगातार आँखों वाली काम करते हैं, अगर कोई भी काम जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, लगातार उस पर आप एक ही जगह आप उसे देखते रहते हैं काफ़ी देर तक, तो ये भी आपका रीज़न हो सकता है आँखों में जलन का। आँखों में कुछ चला जाए तो भी जलन और दर्द की समस्या आती है, अगर आँखों में कुछ चला गया तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपकी आँख दर्द हो रहा है। ग्लूकोमा, जो कि एक काला मोतियाबिंद होता है, इस रोग के कारण भी आपके आँखों में दर्द या जलन रहती है। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ घरेलू टिप्स के बारे में, घरेलू नुस्खे के बारे में, जिससे आप इस आँखों के दर्द और जलन से आप बड़ी आसानी से निजात पा सकेंगे। तो सबसे पहला टिप्स है आलू के अलावा आप खीरे का भी स्लाइस ले सकते हैं, ठीक है। आलू या खीरे के स्लाइस को उसको काटे ना बारीक और आँखों पर रखने से भी आँखों के दर्द का इलाज हो जाता है। आँखों के नीचे के काले घेरे हटाने के लिए खीरे का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप अगर खीरे का यूज़ करेंगे तो आपका आँख का दर्द जो है वो भी ठीक हो जाएगा और जलन भी ठीक हो जाएगा, और उसके साथ साथ अगर आपके आँखों के किनारे काले घेरे हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। तो दूसरा टिप्स है गुलाब जल। गुलाब जल भी आँखों में दर्द का उपाय करने में उपयोगी है। गुलाब जल की एक बूंद आँखों में डालने से दर्द जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है। तो गुलाब जल को आपको अगर घर में आपके आई ड्रॉप हैं, ठीक है, उसमें उससे आप आँखों में एक बूंद डालें, उससे भी आँखों के दर्द जो है वो ठीक हो जाएगी। तीसरा टिप्स है कुछ बूंदें शहद को डालकर अच्छे से मिला लें, अच्छे से मिक्स कर लें। अब आपकी घरेलू आई ड्रॉप दवा तैयार है, अब इसे ठंडा होने पर इसकी कुछ बूंदें आँख में डालें और कुछ देर के लिए आँख बंद करके लेट जाएं। इस उपाय से कुछ ही देर में आँखों के दर्द दूर हो जाएंगे। आपको करना क्या है, हल्का गर्म दूध में शहद को मिलाना है और उसे ठंडा होने देना है, फिर उसके बाद आँखों में आपको इसे अप्लाई करना है, ठीक है। फिर कुछ ही देर में आपके आँखों के दर्द या जलन जो है वो दूर हो जाएंगे। तो चौथा और लास्ट टिप्स है, आँखों में जलन या दर्द हो रहा हो तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आलू का प्रयोग करना अच्छा उपाय है। एक आलू छीलकर इसकी स्लाइस काट लें, जो मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। या तो आलू लें, नहीं तो खीरा लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। काट लें और आँखों पर रखें, कुछ ही देर में दर्द या जलन जो है आँखों की वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स, ये थे कुछ घरेलू नुस्खे जिसे आप आजमा कर बड़ी आसानी से आप अपनी आँखों को दर्द या जलन से छुटकारा दे सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर करें ताकि मुझे ये पता चले कि मेरी बनाई वीडियो आपको पसंद आ रही है। मैं और भी आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो मैं बनाता रहूं। तो इसमें से आप कोई भी एक टिप्स को आप आज़मा सकते हैं, ये 100% वर्क करेगा, ये आपके आँखों के जलन को ठीक कर देगा। और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ आपको इस तरह के वीडियो, इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो, इस तरह के ट्रीटमेंट, इस तरह के हेल्थ से रिलेटेड ट्रीटमेंट मैं आपके लिए हर रोज़ डालता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मिलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।